हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव से ऐन पहले जोधपुर की धरती पर पहुंचे अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि मैं थांसू दूर नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं थांसू दूर नहीं हूं और दूर होऊंगा भी नहीं कभी। हमेशा ध्यान रखो जो मैंने कहा है कि जोधपुर वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं MP बना था तब से अब तक जो विश्वास कायम रहा और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां पर विकास के काम करने में। आज सारी संस्थाएं जो जोधपुर में है एक साथ में, ऐसी हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है। इससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ? पूरे प्रदेशवासी जो प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, बड़ी पूंजी है मेरी जिंदगी की। मैं कैसे दूर हो सकता हूँ राजस्थान से? आप निश्चिंत रहो, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी पद पे रहूं, राजस्थान से मैं दूर नहीं रहूंगा। जोधपुर के हर घर में, परिवार में आप मानकर चलो मेरा वही लगाव रहेगा, वही स्नेह रहेगा, वही भाईचारा रहेगा, वही संबंध रहेगा। कोई कहीं बैठा हुआ हो, मेरा जो बचपन बीता है यहाँ पर, जिस रूप में मुझे बचपन से आशीर्वाद मिला है लोगों का, मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज भी मैं जिस रूप में माहौल देख रहा हूँ, आप निश्चिंत मानकर चलो कि आने वाले वक्त में और हम मिलकर कैसे जोधपुर का विकास करें, क्योंकि 5 साल तक जो उपेक्षा हुई है, वसुंधरा जी ने जो उपेक्षा की है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे इसलिए जानबूझकर उपेक्षा की गई, उसको मैं अपमान मानता हूँ, मेरा अपना भी और जोधपुर वासियों का भी। स्मार्ट सिटी जो पूरे राजस्थान में बनी है, घोषणा हुई है जोधपुर छोड़कर कि इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। स्मार्ट सिटी जो पूरे देश में बन रही है, जोधपुर जो राजस्थान में है, जयपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है, उस शहर को छोड़ के जानबूझ के आप राजनीति कर रहे हो, उसको मैं कंडेम करता हूँ। जोधपुर में इस बात को लेकर बहुत रिएक्शन है, सरकार हमारी बनेगी, जोधपुर वासियों का वही मान सम्मान लौटेगा। पहले भी हमने यहाँ ओवरब्रिज बनाने में, अंडरब्रिज बनाने में, संस्था लाने में कमी नहीं रखी, विकास की गंगा बही थी, फिर भी समस्या रहती है, सड़कों की रहती है, सीवरेज की रहती है, पानी की रहती है, बिजली की रहती है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हो पाता, स्कूल कॉलेज की रहती है, समस्या रहती है, उसको पूरा करने का पूरी तरह से हम लोग संकल्प लेते हैं, पूरा करके दिखाएंगे। मानवेंद्र सिंह जी के सवाल पर उन्होंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति गया है वसुंधरा जी के सामने जो उनसे पूछ सकता है कि बताइए आपका विजन क्या है, राजस्थान के लिए 10 साल की उपलब्धियां क्या है, आपने क्या क्या काम किए, आगे आपका प्लान क्या है, पूरा राजस्थान क्यों आपके प्रति व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित है, हर गांव में, हर घर में वसुंधरा जी को लेके लोग कोस क्यों रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि हमने आपको 163 सीटें दी थी, इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, इसके बावजूद ऐसा क्या कारण था कि वो 5 साल तक ना तो कहीं आई ना गई, ना सर्किट हाउस में रुकी, महलों में रुकी हो या 5-स्टार होटलों में रुकी हो, जनता से ना मिलने की तो उन्होंने सौगंध खा रखी है। आज जो भट्टा बैठा है राजस्थान का, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है, लड़कियों के साथ में रेप होते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चोरी डकैती आम बात हो गई है, जोधपुर में तो दिन दहाड़े डकैती हुई है, यहाँ पर दुकानदार की हत्या हुई, एक शब्द नहीं बोला मुख्यमंत्री जी ने, और पूरे प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई है, जयपुर में तो पति के सामने पत्नी का रेप किया गया, ससुर को पड़ोस के कमरे में बांध दिया गया, ऐसी घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री ने क्या किया, जवाब दे। इसलिए आज मुख्यमंत्री के प्रति हर घर में आहत गुस्सा है और आने वाले वक्त में वो गुस्सा फूट कर बाहर आएगा। गौरव यात्रा निकाली उन्होंने, वो बंद क्यों करनी पड़ी, हेलीकॉप्टर में क्यों बदला यात्रा को, इसलिए क्योंकि वो आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही थी। समझ जाइए जनता क्या चाहती है, ये चुनाव जो है देश के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए हो रहा है, ये चुनाव इस बार राजस्थान की जनता खुद लड़ेगी। राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं, हो सकती हैं और उनके पास साधनों की कमी भी हो, लेकिन जनता पूरे प्रदेश के अंदर तय कर चुकी है। जनता पूछ रही है कि हमारा कसूर क्या था, चाहे रिफाइनरी हो, ब्रॉडगेज हो, मेट्रो हो, बांध हो, कोच फैक्ट्री हो, करौली और टोक जुड़ रहे थे रेलवे से, सब काम बंद कर दिए बड़े बड़े, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद कर दी, लोगों में बहुत भारी गुस्सा है। मैंने कहा है कि जोधपुर वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, विश्वास किया मुझे, 25 साल मैंने MP बना था, तब से आज तक जो विश्वास कायम रहा और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पे विकारी काम करने में, आज सारी संस्थाएं जो जोधपुर में है एक साथ में, मेरे हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, इसलिए मैं कैसे बोल सकता हूँ।
पूरे प्रदेशवासी जो आज प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, विश्वास रखते हैं, गांव गांव में जो चर्चा होती है वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, बड़ी पूंजी है मेरी जिंदगी की। इसलिए मैंने कहा मैं कैसे दूर हो सकता हूँ, इसलिए आप निश्चिंत रहो, मैं कहीं रहूं किसी पद पे रहूं, कोई राजस्थान से दूर मैं कभी नहीं रहूंगा। जोधपुर के हर घर में, हर परिवार में आप मान के चलो मेरा वही लगाव रहेगा, वही स्नेह रहेगा, वही भाईचारा रहेगा, वही संबंध रहेंगे। चाहे कोई कहीं बैठा हुआ हो, उसके बावजूद भी मेरा जो बचपन बीता है यहाँ पर, जिस शुरू में मुझे बचपन से आशीर्वाद मिला है लोगों का, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।